दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। ISBT ऊना में बुधवार रात हिमाचल पथ परिवहन निगम बैजनाथ डिपो के परिचालक ने नशे में धुत होकर खूब हंगामा किया। हुआ यूं कि ऊना में बैजनाथ से हरिद्वार के लिए जाने वाली बस का ड्राइवर बदलना था। जब नया चालक बस में बैठा तो उसे कंडक्टर के मुंह से शराब की बदबू आई, और जब ड्राइवर ने उससे इस बारे में पूछा तो कंडक्टर बस में ही ड्राइवर के साथ उलझ गया और गाली गलौज करने लगा। जब बस में सवार सवारियों ने भी कंडक्टर का विरोध किया तो कंडक्टर बस से उतरकर एक दुकान में जा बैठा और करीब पौने घंटे तक वापस नहीं आया। परेशान सवारियों ने तुरंत इसकी शिकायत अड्डा इंचार्ज से की और दूसरी बस भेजने का आग्रह किया, जिसके बाद अड्डा इंचार्ज ने दूसरी बस का प्रबंध करके सवारियों को करीब 1.5 घंटा देरी से दूसरी बस में उनके गंतव्य के लिए भेजा। वहीं जब कंडक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उसने शराब पी होने से इनकार किया, लेकिन कंडक्टर की लड़खड़ाती जुबान से साफ प्रतीत हो रहा था कि उसने शराब का सेवन किया हुआ है। आपने शराब पी रखी है? क्या हुआ, इतनी देर क्यों कर दी? वो साहब जी ड्राइवर ने, दूसरा ड्राइवर जो आया ना, उसने बोला कि आपने शराब पी है। मैं क्या, आप जानने वाली बात कर दी आप? तो लग तो रहा है कि आपने शराब पी रखी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो सारी सवारियां बोल रही है आपने शराब पी रखी है? सवारियां ऐसे उतार दी इसने, इनको आती है नींद, ऐसा नहीं, हमें नींद नहीं आती है, हम 18 घंटे दूरी कर दिया साहब जी। वहीं ऊना बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि परिचालक ने शराब पी हुई थी, जिसके कारण हंगामा हुआ। सवारियों को दूसरी बस में उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। अड्डा इंचार्ज ने पुलिस को मौके पर बुलाकर कंडक्टर का मेडिकल करवाया। बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि इस मामले को जांच के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक बैजनाथ के पास भी भेजा जाएगा। परिचालक ने जो दारू पी रखी तो सवारियां जो है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके भेज दी गई, और कंडक्टर का जो भी मेडिकल करा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो गंभीर कार्रवाई तो क्षेत्रीय प्रबंधक बैजनाथ ही कर गए, अभी तो मेडिकल करा रहे हैं इसको। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से सोहित के साथ चंद्रमोहन चौहान। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि आपके शहर लूणाबाणी में नजदीक टाटा मोटर्स के सामने विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नया शोरूम खुल गया है, जहां पर आपको नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व थ्री व्हीलर मिलेगी।